नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार। बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर वीडियो में यहां पर खबरों में बात होगी राहुल गांधी के बाद में अब अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला संसद के अंदर। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेताओं की नींद अखिलेश यादव ने उड़ा दी है। तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है संसद में। जी हां दोस्तों, ईवीएम के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव जमकर के बरसे हैं और चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले लिया है। क्या कुछ कहना है ईवीएम को लेकर के जानेंगे दोस्तों खबर को विस्तार से। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू से मिलने जा रहे हैं कांग्रेस से मुख्यमंत्री, हलचल तेज हो गई है। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़े टारगेट की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने तो सदन में ही यहां पर दावा कर दिया है कि चलने नहीं गिरने वाली है सरकार। दोस्तों एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से, लगातार बने रहिएगा खबरों की तरफ। बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी हमारे देश के महान संविधान के समर्थन में खुले तौर पर खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलने नहीं गिरने वाली है सरकार, लोकसभा में बोले हैं अखिलेश यादव। 4 जून को बताया है सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन। अखिलेश यादव ने आगे कहा, ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। यूपी की 80 में से 80 सीटें भी जीत जाऊं तो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं होएगा। ईवीएम का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम लोग उस पर अडिग रहेंगे। हम ईवीएम से जीत करके ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। इंडिया गठबंधन जैसे ही सत्ता में आएगा सबसे पहला काम यही किया जाएगा कि ईवीएम हटाई जाए। अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सदन में बीजेपी के बैठे हुए सांसद यहां पर बौखला गए और यहां पर शोर शराबा मचाने लगे। यानी कि बीजेपी का ईवीएम प्रेम संसद के अंदर भी देखने को मिला है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के समर्थन में। और जो भी लोग दोस्तों बैलेट पेपर के समर्थन में हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इतना ही नहीं, हम अयोध्या से प्रेम का पैगाम लाए हैं। अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान भी दिया है संसद में। अयोध्या लोकसभा सीट से भाजपा की हार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि हम अयोध्या से प्रेम का पैगाम लाए हैं। जानकारी के लिए बताते चलें, अखिलेश यादव ने लोकसभा में आगे कहा कि मतदाताओं ने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका है, अब यहां पर किसी अकेले की नहीं चलेगी, जनता ने उनको सबक सिखाया है। ये अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है और इशारों ही इशारों में यहां पर यह भी कह दिया है कि सरकार जाने वाली है जल्द ही, क्योंकि दोस्तों यहां पर खबर ही कुछ ऐसी आ रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे ही यहां पर सरकार चल रही है। एनडीए की इन दोनों ही पार्टियों ने समर्थन दिया हुआ है, इसीलिए सरकार चल रही है और ये दोनों ही पार्टियां कभी भी पलटी मार सकती हैं। ये भी खबरें आ ही रही हैं लगातार। रेवंत रेड्डी से यहां पर मुलाकात करेंगे एनडीए के साथी चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी में मचा हड़कंप, सियासी गलियारों में भी अटकलें तेज हो गई हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक पत्र लिखा है। इससे संकेत मिले हैं कि दोनों ही नेता आपस में जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। दोस्तों बताते चलें आप लोगों को, सीएम चंद्रबाबू नायडू खुद अपने पुराने साथी और वर्तमान में कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी से मिलने जाएंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आप लोगों को बताते चलें, रेवंत रेड्डी भले ही यहां पर आज कांग्रेस पार्टी में हो और कांग्रेस से मुख्यमंत्री हो, लेकिन वे यहां पर टीडीपी में भी रह चुके हैं और यहां पर वो उनकी पुरानी पार्टी है। यानी कि लगता है कि रेवंत रेड्डी यहां पर बड़े खेल की तैयारी में लग चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू को मनाया भी जा सकता है यहां पर इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए। रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल होने से पहले टीडीपी में ही थे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये यहां पर जो दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होने जा रही है, इससे बीजेपी की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई भी आने वाले वक्त में नजर आ सकती हैं। ये खबर सामने निकल के आई है दोस्तों।
माना जा रहा है कि अगर चंद्र बाबू पलटी मारने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार होते हैं, तो नीतीश कुमार भी आसानी से मान जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले अपने भाषण के हटाए गए अंशों पर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है, लेकिन हकीकत में सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता है। जो मैंने कहा और जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, वह सच्चाई है। अब उन्हें जो मिटाना है मिटाएं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यह कहना है साफ तौर पर राहुल गांधी का। देख सकते हैं कि कई यहां पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, और अब खबर आ रही है कि लोकसभा के स्पीकर ने यहां पर राहुल गांधी की कई बातों को रिकॉर्ड से ही हटा दिया है। आधी रात को यहां पर अमित शाह ने स्पीकर से मुलाकात की, सूत्रों ने यह दावा किया, जिसके बाद में स्पीकर ने यह कार्रवाई की है। यानी कि सीधे तौर पर स्पीकर पर किस कदर का दबाव है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। कल तो संसद के अंदर अमित शाह यहां पर स्पीकर से ही संरक्षण की मांग करने लगे, ये यहां पर दोस्तों खबर है। इतना ही नहीं, जो अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जल्द ही सरकार हटने वाली है और नई सरकार आने वाली है, वैसा ही दावा अब यहां पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कर दिया है। कुछ ही दिनों में सत्ता पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाने वाला है, ये यहां पर बयान जारी किया है प्रियंका चतुर्वेदी ने। दोस्तों देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के हौसले बुलंद हैं। इतना ही नहीं, सदन में अखिलेश यादव बोले, अग्निवीर व्यवस्था को हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आज नहीं तो कल जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम इसे बदल देंगे, रद्द कर देंगे, हर कीमत पर अग्निवीर योजना रद्द होगी। दो टूक कहना है अखिलेश यादव का। कल ही सदन के अंदर राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना रद्द नहीं होगी, जिसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि ये योजना आपको पसंद हो सकती है, हमको नहीं, हम सरकार में आते ही रद्द करेंगे हर कीमत पर। और वही बात अब यहां पर अखिलेश यादव ने भी कह दी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, पेपर लीक के मुद्दे पर लोकसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक आखिर क्यों हो रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे युवाओं को नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण भी नहीं देना पड़ेगा इस सरकार को, इसीलिए पेपर लीक करवा रही है भाजपा, यह अखिलेश यादव ने सदन के अंदर कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ हमने देखा कि चुनाव आयोग कुछ लोगों पर मेहरबान रहा, वह यहाँ पर संस्था निष्पक्ष होगी तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। ये अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया है सदन के अंदर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है संसद के अंदर। राहुल गांधी ने पोस्टर दिखाया था शिव का, और अब यहां पर खबर आ रही है कि राहुल के शिव पोस्टर को पूरे देश में लगाएगी कांग्रेस पार्टी, अब देश भर में पोस्टर अभियान चलाएगी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।